दोस्तों, जब आप किसी को पैसा उधार देते हो या आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो इस ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए कई माध्यम हो सकते हैं। बैंक आपसे लोन एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार या प्राइवेट फाइनेंसर से आप पैसा ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे लोन एग्रीमेंट भी साइन करवा ले, कोई सिक्योरिटी चेक भी आपसे ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर लिया जाए जिसे कि प्रो नोट भी कहते हैं और हिंदी में उसे वचन पत्र कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो ये इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट या वचन पत्र के नाम से जाना जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 4 सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि क्या प्रोमिसरी नोट है। तो जो भी प्रोमिसरी नोट हम बनाते हैं प्रैक्टिकली या हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेक्शन 4 से गवर्न्ड होता है, और सेक्शन 4 में कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा है कि प्रोमिसरी नोट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, परंतु सेक्शन 4 में कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, कुछ शर्तें या असेंशियल तत्व बता रखे हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोमिसरी नोट कहें उसके लिए उस डॉक्यूमेंट का निम्नलिखित बिंदुओं पर खरा उतरना आवश्यक है। वो अगर शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपका वो डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट कहलाएगा, और अगर आपने कोई भी प्रोमिसरी नोट फॉर्मेट वगैरह कुछ भी बनाया और इनमें से जो शर्तें दे रखी है सेक्शन 4 में उसमें किसी का वायलेशन हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो आपका जो प्रोमिसरी नोट है वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। वो शर्तें क्या हैं जो सेक्शन 4 में वर्णित है, वो हैं जो मैंने नोट करी हैं उसमें से, कि पहली बात है प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, एक मूजबानी नोट को हम प्रोमिसरी नोट नहीं कहेंगे। साथ ही साथ में इसमें आपको अपने सजेशन भी देता जाता हूँ, प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए। तो आमतौर पर मैं देखता हूँ जो फॉर्मेट्स मेरे पास आते हैं या लोग लेके आते हैं मेरे पास जब किसी के ऊपर कोई केस फाइल करना होता है तो वो टाइप्ड होता है। तो मेरा इसमें व्यक्तिगत सुझाव यह है कि यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं उधार तो आप एक टाइप्ड प्रोमिसरी नोट मत बनाइए। जिसको आप पैसा उधार दे रहे हो उसे बोलो भैया यहाँ बैठ जाओ, चाय का कप मंगा रहा हूँ, बिस्कुट खाओ, और इस पे अपने हाथ से लिखो। तो जो प्रोमिसरी नोट की लैंग्वेज है वो उससे अपने हाथ से उसकी हैंडराइटिंग में ही लिखवाओ, ताकि वो व्यक्ति जो पैसा उधार ले रहा है बाद में ये ना कह सके कि मैंने ये नहीं लिखा था, खाली मेरे साइन फर्जी मार दिए किसी ने, या मेरे से तो साइन करा लिए, मुझे तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, वगैरह वगैरह। दूसरी कंडीशन या असेंशियल बात ये है प्रोमिसरी नोट के संबंध में कि जो व्यक्ति प्रोमिसरी नोट बना रहा है, कौन बनाता है प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट वो व्यक्ति बनाता है जो पैसा उधार ले रहा है, उसे मेकर कहा जाता है, बनाने वाला, या उसे इशूअर भी कह देते हैं, इशू करने वाला, या उसे प्रोमिजी भी कह देते हैं, प्रोमिजर कह देते हैं कि वादा करने वाला। प्रोमिजी तो वो होता है जिसको वादा किया गया है। तो जो व्यक्ति वादा कर रहा है, इशू कर रहा है उस प्रोमिसरी नोट को, उसको बना रहा है जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला है, उधार करता है, वही इस प्रोमिसरी नोट का कानूनी रूप से रचयिता है, उसके सिग्नेचर होने ही चाहिए, लोन लेने वाले के सिग्नेचर प्रोमिसरी नोट पे कराने हैं। इस संबंध में मैं आपको फिर एडिशनल सजेशन ये दे देता हूँ कि जब आप किसी उधार देने वाले के साइन करवाएं उस पे तो उसके सिग्नेचर उसके पैन कार्ड से टैली कर ले, देख ले कि भाई जो पैन कार्ड पे साइन है वही वहाँ पे साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पासपोर्ट पे साइन हो, या कोई रिसेंटली उसने चेक इशू करा हो जो पास हो गया उस चेक पे जो साइन हो वहीं साइन हो, ऐसा ना हो कि वो कोई और साइन मार दे वहाँ पे। साथ में उसके अंगूठे का निशान भी लगवा लो, ऐसा जरूरी नहीं है करना, पर ये मैं एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स आपको बता रहा हूं आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप अपना पैसा दे रहे हैं किसी को। अंगूठे का निशान भी लगवा लो, दाएं हाथ का लगवाना है या बाएं हाथ का ऐसा कोई लॉ नहीं है, फिर भी रिवाज ये है कि पुरुष का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लिया जाता है, LTI लिख देते हैं उसे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और फीमेल का राइट हैंड का लिया जाता है, राइट थंब इंप्रेशन। इसे याद करने का भी मेरा एक पर्सनल तरीका है, वो तरीका ये कि विमेन आर ऑलवेज राइट, इसलिए उनका राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लिया जाता है।
नेक्स्ट एसेंशियल है कि उस प्रोमिसरी नोट में खाली इतना लिखना पर्याप्त नहीं है कि मैं मान रहा हूं कि मुझे पैसे, मैंने पैसे लिए हैं। ये हो गया एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कि मैं मान रहा हूं मैंने लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रोमिस टू पे भी होना चाहिए। उसमें यह वचन, यह वादा भी होना चाहिए, यह अंडरटेकिंग भी होनी चाहिए कि मैं इस पैसे का भुगतान करने का वादा करता हूं, आई प्रोमिस टू पे। ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है सेक्शन 4 के हिसाब से। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो उसमें किसी, वो एक अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कंडीशन नहीं लगाई होनी चाहिए कि सामने वाला लिख रहा है मैं ये पैसा दे दूंगा अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो, या मेरा व्यापार ठीक हो गया तो, या ऐसा हो गया तो, या वैसा हो गया तो। इस प्रकार की किसी भी शर्त का लिखा होना प्रोमिसरी नोट में उसे इनवैलिड बना देगा। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी अनकंडीशनल। नेक्स्ट है कि पैसे किसको देने हैं। प्रोमिसरी नोट में वो लिखेगा कि पैसे मैं इसको दे रहा हूं, मेरे से पैसे आप ले रहे हो, तो सामने वाला लिखेगा कि मैं सुबोध गुप्ता को पे करूंगा, सुबोध गुप्ता सन ऑफ श्री सो एंड सो। तो पैसा किसको देना है उसका नाम निश्चित तौर पे लिखा होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं कि अगर नाम प्रॉपरली ना भी लिखा हो, किसी का डेजिग्नेशन लिखा हो कि भाई इस बैंक के बैंक मैनेजर, तो भी वो चल सकता है। पर एज ए रूल किसको पैसे देने का वादा किया जा रहा है उस व्यक्ति का पूरा नाम, साथ में पिता का नाम भी इसीलिए लिखो क्योंकि एक नाम से तो कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति प्रोमिसरी नोट को बना रहा है, यानी जो पैसा उधार ले रहा है वही बनाता है, उसका नाम भी पूरे तरह से लिखिए। आपकी मैं जो भी उसका नाम है और सन ऑफ श्री सो एंड सो निवासी यहाँ का, और आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि ब्रैकेट में आप उसका आधार और पैन नंबर भी मेंशन कर दीजिए, साथ में उसकी फोटोकॉपी लेके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच भी कर लीजिए। नेक्स्ट है असेंशियल कंडीशन सेक्शन 4 के हिसाब से ही कि जो पैसा दिया जाने का वादा कर रहा है वह एक निश्चित राशि लिखी होनी चाहिए, एक सर्टन सम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे मैं वो देने का वादा कर रहा हूं। अरे भाई कितने पैसे लिए थे, एग्जैक्ट लिखो उसमें कि मेरे को इतने पैसे देने हैं। इसी तरह प्रोमिसरी नोट की अन्य एसेंशियल कंडीशन ये है कि प्रोमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ पैसे के संबंध में ही बन सकता है। अगर उसने आपका कोई कार ली थी या और कोई सामान लिया था किसी किस्म का, या मकान लिया था, या घोड़ा लिया था, या कुत्ता लिया था, या बिल्ली ली थी, या सोफा लिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसके साथ पैसे के अलावा अगर आपने और कोई चीज भी उसमें लिख दी, ये प्लस घोड़ा, तो वो फिर प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा। ये सिर्फ पैसे के संबंध में ही बनाया जा सकता है, पैसे देने का ही प्रोमिस होना चाहिए। अब कुछ अन्य सुझाव और अन्य बातें मैं डिस्कस करूंगा प्रोमिसरी नोट के बारे में जो आपको सहायक सिद्ध हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि लोन एग्रीमेंट और प्रोमिसरी नोट में आपको अगर बनाना पड़े तो आप प्रोमिसरी नोट बनाइए, क्योंकि प्रोमिसरी नोट एक तो आसानी से बन जाता है और ये प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है। लोन एग्रीमेंट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, पर लोन एग्रीमेंट लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा। उसमें अगर आपने कोई शर्त ठीक से नहीं लिखी या अच्छी से उसकी ड्राफ्टिंग नहीं हुई तो उसमें काफ़ी लूप होल रह जाएंगे। जबकि प्रोमिसरी नोट एक ही पेज पे बन जाता है, उसकी सिंपल सी लैंग्वेज होती है और ये NI एक्ट के तहत सेक्शन 4 में एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है। और कोर्ट में भी अगर आपका मामला गया प्रो नोट के बेसिस पे रिकवरी करने के लिए, तो ये समरी प्रोसीडिंग्स में आता है ऑर्डर 37 CPC के अंदर, जिसका कि फैसला थोड़ा जल्दी होता है दूसरे दीवानी मुकदमों के मुकाबले में। मेरा नेक्स्ट सुझाव ये है कि प्रोमिसरी नोट तो आप बना ही रहे हो, परंतु जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो उससे हर संभव कोशिश करिए कि आप एक सिक्योरिटी चेक भी ले लें, और उस सिक्योरिटी चेक का जिक्र आप उस प्रोमिसरी नोट के अंदर भी कर दें कि यह सिक्योरिटी चेक भी इस राशि को चुकता करने के लिए दिया गया है। ये सब तो आपको लिखना ही है कि वो पैसे किस तारीख को चुकता करेगा, किस्तों में चुकता करेगा या लमसम चुकता करेगा, ये सारी चीज़ें भी प्रोमिसरी नोट में आपको लिखनी है। प्रोमिसरी नोट में क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पैसा लिया और दूसरे ने दिया, तो आम तौर पे जो उधार लेने वाला होता है सिर्फ उसके ही साइन चाहिए होते हैं।
फिर भी अगर उधार देने वाला भी साइन कर देगा तो ऐसा नहीं है कि उससे प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा, पर लीगली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लीगली उसके साइन होने आवश्यक हैं। आप अगर पैसा दे रहे हो तो आपके साइन होने आवश्यक नहीं है, कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह विटनेस की बात है, गवाह की बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में या किसी भी प्रोविजन में NI एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रोमिसरी नोट बनाते समय कोई विटनेस होना मैंडेटरी है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। फिर भी अगर आप एक या दो विटनेस के साइन करा लोगे, उनका भी नाम पता लिख दोगे जो कि न्यूट्रल व्यक्ति हों, आप अपने बीवी बच्चों को मत विटनेस बनाइए, न्यूट्रल व्यक्ति होने चाहिए, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तीसरा मेरा सुझाव है, अब पता नहीं गिनती में खुद ही भूल गया, तीसरा है पांचवा है सातवां, गिनती को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मेरा सुझाव ये है कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं प्रोमिसरी नोट पे, तो जहां तक संभव हो उसको पैसा बैंकिंग मोड से दीजिए, चेक से दीजिए या नेफ्ट करिए या RTGS करिए, मतलब कैश देने से बचिए। अगर आप उसको चेक से पैसा दे रहे हैं तो उस प्रोमिसरी नोट में आप उस चेक का जिक्र भी कर दें कि इस चेक के माध्यम से इतनी राशि इसको लोन के स्वरूप दी गई है, या इसके अकाउंट में पैसे इतनी तारीख को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए इस अकाउंट नंबर से इस अकाउंट नंबर पे। कैश देने से बचिए। अगर बैंकिंग मोड से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं फिर तो विटनेस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन या बैंक स्टेटमेंट ही अपने आप में एक सबूत हो गया। लेकिन अगर आप कैश दे रहे हैं और वो भी बड़ा अमाउंट है, कोई अब बड़े अमाउंट की कोई परिभाषा नहीं है, 100 रुपये का नोट सबके लिए 100 रुपये का नहीं होता, एक गरीब आदमी जो सड़क पे रिक्शा चला रहा है उसके लिए 100 रुपये का नोट बहुत बड़ा होता है, 5 सवारियां ढोएगा 10 सवारी ढोएगा तब 100 रुपये मिलेंगे, और किसी के लिए 100 रुपये का नोट कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाओगे तो पॉपकॉर्न भी नहीं आने के 100 रुपये के। तो अब मुझे नहीं पता आप अमाउंट को बड़ा समझेंगे या छोटा समझेंगे, लेकिन अगर आप हजारों में कर रहे हैं डील तो कोई विटनेस नहीं भी बनाया तो चल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन अगर लाखों के लेन देन का मामला है तो विटनेस बेटर है। नेक्स्ट लोग पूछते हैं मेरे से कि क्या स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोमिसरी नोट स्टैम्प पेपर पे बनाया जाना चाहिए। इंडियन जो स्टैम्प एक्ट है उसके हिसाब से ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, और इंडियन स्टैम्प एक्ट में ये स्पेसिफाई किया होता है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और वो राज्यों में अलग अलग भी होती है। आम तौर पे जो स्टैम्प ड्यूटी प्रोमिसरी नोट पे लगती है वो सिर्फ 1 रुपये की जो रसीदी टिकट आती है ना रेवेन्यू स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी आपको, वो खरीद लेना, वो वहां पे चिपका देना और उस पे क्रॉस साइन उधार लेने वाला कर देगा, वो पर्याप्त है। फिर भी क्योंकि कानून ये भी कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड है, उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी गई, तो वो इनवैलिड हो सकता है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही अमाउंट दे रहे हो और अगर आप उसे एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर खरीद लोगे 50 रुपये का 100 रुपये का या 500 रुपये का, तो ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी देने से कोई नाराज नहीं होता। सरकार के खजाने में अगर स्टैम्प ड्यूटी के पैसे ज़्यादा जा रहे हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा हो सकता है, तो वो भी आपकी चॉइस है, पर लीगल रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। दो और महत्वपूर्ण सवाल मेरे से लोग काफी पूछते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। एक तो वो ही पूछते हैं कि क्या इसको नोटराइज करवाना या कहीं पे जाके रजिस्टर्ड करवाना या किसी से अटेस्ट करवाना आवश्यक है क्या। फिर यही कह रहा हूं कि जो NI एक्ट की सेक्शन 4 है और जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं NI एक्ट में प्रोमिसरी नोट के बारे में, वहां ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई विटनेस होना चाहिए या नोटरी होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए या अटेस्ट होना चाहिए प्रोमिसरी नोट को। एक सिंपल पेपर पे बना हुआ ऊपर लिखा हो प्रोमिसरी नोट और नीचे रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन हो तो इट इज गुड एनफ। लेकिन फिर भी अगर आप उसे नोटराइज करवा लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, वो एक प्रमाणिकता को बढ़ा रहा है, उससे वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। तो अगर आप नोटराइज करा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप वैसा कर सकते हो। दूसरा, क्या प्रोमिसरी नोट के अंदर ब्याज मेंशन किया जा सकता है, इंटरेस्ट मेंशन किया जाता है। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर जो यार दोस्त या मित्र आपस में लेन देन करते हैं या प्राइवेट फिनेंसर जो ब्याज पे पैसा देने का ही काम करते हैं, वो कई बार इंटरेस्ट लिखते नहीं है डर के मारे कि इंटरेस्ट हम लिख देंगे तो कहीं प्रोमिसरी नोट इनवैलिड ना हो जाए या कितना इंटरेस्ट लिखें, ये भी समस्या दिमाग में रहती है कि ये ज़्यादा तो नहीं है।
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट लिखना कानूनी रूप से अलाउड है। प्रोमिसरी नोट के अंदर जो आप प्रिंसिपल लिख रहे हो, मूलधन लिख रहे हो कि मैं इसको इतना, मतलब जो ये पैसा दिया है, उसके साथ सामने वाला ये भी लिख सकता है कि मैं इतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, ऐसा लिख सकते हैं उसके अंदर। और इसमें भी दो सेक्शंस हैं एनआई एक्ट की, एक है सेक्शन 79 और एक है सेक्शन 80। सेक्शन 79 कहती है कि ब्याज को स्पेसिफाई किया जा सकता है दोनों पार्टियों में अगर एग्री हुआ भी 12% ब्याज, तो आप वहां लिख दो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं प्रोमिसरी नोट में, वो वैलिड है। और कई बार ये तो लिख दिया कि इतने लाख रुपए देने का वादा करता हूं ब्याज सहित विद इंटरेस्ट, पर रेट इंटरेस्ट रेट लिखना भूल गए या जानबूझ के नहीं लिखा। तो अगर इसमें भी कानून ये कहता है सेक्शन 80 एनआई एक्ट की कि अगर इंटरेस्ट तो लिख दिया, इंटरेस्ट रेट मेंशन करना छोड़ दिया है प्रोमिसरी नोट पे, तो एनआई एक्ट के हिसाब से भाई साहब 18% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इंटरेस्ट एप्लीकेबल है उस प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट लिखी हुई है, अगर विद इंटरेस्ट लिखा हुआ और इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या प्रोमिसरी नोट के अंदर जो अमाउंट मेंशन की गई है उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो कानून में ऐसी कोई लिमिट नहीं दे रखी है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कानून में कि आप इतना ही पैसा दे सकते हो, इससे ज्यादा पैसा प्रोमिसरी नोट में नहीं दे सकते। अगर आप बोरोवर हैं और यानी कि मेकर हैं आप प्रोमिसरी नोट के, आप इशू कर रहे हो प्रोमिसरी नोट, आप बना रहे हो, प्रोमिसर हो, तो हो सकता है कि उसमें जो प्रोमिसरी नोट में जो पैसा वापस कैसे किया जाएगा उसमें कुछ लिखा उसके बारे में कि हर महीने इंस्टॉलमेंट से किया जाएगा या लमसम या बीच में कैसे भी। और अगर आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो जिससे पैसा आपने उधार लिया है, तो आप हर बार जब भी पैसा उसको रिटर्न करें तो उसी ओरिजिनल प्रो नोट पे उसके बैक पे लिखें कि इतने रुपए इतनी तारीख को पे कर दिए हैं और उसके साइन वहां पे कराइए, ठीक है। अगर वैसा करना संभव नहीं है तो उससे कोई सेपरेट एक्नोलेजमेंट या रसीद ले, खासकर तब अगर आप उसे कैश पैसा रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग मोड से रिटर्न कर रहे हैं तो चलो फिर भी एक प्रूफ है, और जब पूरा पैसा उस प्रोमिसरी नोट के तहत आप उसे रिटर्न कर दें विद ब्याज, विदाउट ब्याज, या जो भी उस प्रोमिसरी नोट में आपने लिख के साइन किया था, तो आप उसके पास जाइए, उसे बोलो भाई साहब आपका पूरा पैसा मिल गया, इस प्रोमिसरी नोट को ओरिजिनल को आप निकाल लीजिए, इसे कैंसिल कर देते हैं, उसे कर दो कैंसिल, वहां पे लिख दो पेड इन फुल करके उसके वहां पे नीचे साइन करा लो कि मैंने इस प्रोमिसरी नोट के तहत अपना पूरा पैसा जो दे था वो प्राप्त कर लिया है। सामने वाले के सिग्नेचर करा लो, अपने पास उसको रख लो ताकि वो उस प्रोमिसरी नोट का कभी कोई दुरुपयोग ना करे। और लेंडर की तरफ से यानी पैसा अगर आपने उधार दिया था और आपके पास किसी का प्रोमिसरी नोट है और सामने वाला फिर भी आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो कि यदि प्रोमिसरी नोट की मैच्योरिटी डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट मतलब जिस तारीख को भी वो लिखा था कि ये पैसे इस दिन दे हैं, सेक्शन 22 एनआई एक्ट की मैच्योरिटी डेट के बारे में बता दिए, तो वो मैच्योरिटी डेट को अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आप उसको अपने वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाइए। हालांकि सेक्शन 93 में जहां की एनआई एक्ट में नोटिस के प्रोविजंस हैं, वहां पे प्रोमिसरी नोट की अगर मैच्योरिटी पे पैसे नहीं है तो लीगल नोटिस भेजना आपके लिए जरूरी नहीं है, ऐसा बाध्य नहीं है कानूनी रूप से। फिर भी मेरा पर्सनल सुझाव यह है कि पहले आप उसको एक लीगल नोटिस भिजवाइए कि ये प्रोमिसरी नोट आपने साइन किया था, ये मैच्योरिटी डेट थी, इतनी तारीख को आपने इतने रुपए देने का वादा करा था, आपने नहीं दिया, अभी भी मैं आपको इतने दिन का समय देता हूं, आप मेरे पैसे दे दीजिए। फिर भी वो अगर आपके पैसे ना दे तो आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है, जो सिविल कोर्ट है, दीवानी अदालत है, वहां पे उसके खिलाफ मनी रिकवरी का केस फाइल कर सकते हो। ऑर्डर 37 रूल 2 समरी प्रोसीजर होगा, वो एक समरी सूट की तरह जिसका फैसला जल्दी होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि प्रोमिसरी नोट कब तक वैलिड रहता है, या प्रोमिसरी नोट अगर बन गया तो उसके कितने टाइम के अंदर अंदर अगर कोई हमारा पैसा नहीं दे रहा है तो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है जो कि लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करता है कि किस चीज के संबंध में मुकदमा कितने समय के अंदर लाया जा सकता है। उस एक्ट का नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963। उसके शेड्यूल में
जो हैं आइटम नंबर 31, 34, 35, 36, 37 और 38, ये सारे जो मैंने बताए हैं इस लिमिटेशन एक्ट में दिए हुए हैं, और इन सब आइटम्स में प्रोमिसरी नोट के संबंध में लिमिटेशन पीरियड बता रखा है। अगर मैं इस वीडियो में ज़्यादा उसका जिक्र करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लीगल विषय है, इसलिए एक आम दर्शक होने के नाते आपको समझने में कठिनाई भी होगी। लेकिन सरल भाषा में सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी सामने वाले ने आपको लास्ट पेमेंट करी थी वहाँ से 3 साल काउंट कर लेना, ये मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, हालांकि ये सारे आइटम्स देखने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति से आपने प्रो नोट बनवाया अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि एक सिविल लेन देन का मामला था, दीवानी पैसे लेन देन संबंधी मामला था, कोई आप जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं उन व्यक्तियों को नोटिस भेज सकते हो कि भैया मान लो किसी के पिताजी ने पैसे लिए थे, भाई साहब आपके पिताजी ने ये पैसे मेरे से लिए थे, ये प्रोमिसरी नोट मेरे पास है, मैं लगा रहा हूँ और आप ये पैसे दे दो। तो कानूनी रूप से तो पिता की मृत्यु हो गई तो जो उनके वारिस हैं, चाहे उनकी पत्नी है या बच्चे हैं कोई भी, उनके पैसे देने नहीं बनते, परंतु कानून ये भी है कि वो मृतक अपनी जो भी संपत्ति छोड़ के गया अगर उनके नाम पे, उस संपत्ति पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वो संपत्तियां अगर वो उनका बाप बिल्कुल ही गया गुजरा था, चवन्नी भी छोड़ के ही नहीं गया, ऐसे ही मर गया, है ही नहीं कुछ, तब तो आप उनके वारिसों से तो पैसे नहीं ले सकते। लेकिन यदि उनके बाप के पास दौलत थी और वो दौलत या जमीन या जायदाद या बैंक अकाउंट उन्होंने इनहेरिट की है अपने माँ बाप, अपने मृतक पिता से उन्हें मिली है विरासत के तौर पे, तो फिर आपका कोर्ट में जा सकते हैं उनके खिलाफ कि ये जो इनके उत्तराधिकारी हैं और जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया था उसके पास संपत्तियां थी जो इन्हें मिली हैं, और उस संपत्तियों में से मेरे पैसे दिलवाए जाएं, तो ये केस चलाना फिर कोर्ट में बनता है।